नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। कर्नल साहब, जरा देखिए तो सही कौन आया है। अरे टॉमी, टॉमी मेरे बेटे। अरे टॉमी कहाँ चला गया था तू? अरे समीर, तुम्हें कहाँ से मिला? बेचारा एक पुलिया के नीचे बैठा था, कांप रहा था, हमेशा मुझे देख के भौंका करता था, लेकिन इस बार करके मेरे पैर पकड़ लिए इसने। मुझे लगा मुझसे ये कह रहा है कि प्लीज मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। पापा? आप पापा? अरे हाँ, हमारे बेटे जैसा ही तो है। टॉमी, थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच पापा। समीर की वजह से तो आज टॉमी घर आया है, अब तो माफ कर दो ना इसे। हाँ हाँ, माफ कर दिया, माफ कर दिया। रमा चलो खाना वाना लगाओ, चलो चलो। अरे बच्चे टॉमी, तू किधर चला गया? ये क्या हो रहा है? सनी देखो ना, समीर की वजह से टॉमी आज घर आ गया। वेल डन समीर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरी आंखों में तो देख मेरे भाई। बता ये कुत्ता मिला कहाँ तुझे? कहाँ मिला? मैं भी ढूंढ ढूंढ के थक गया। तुझे रानी की कसम भाई, मेरी आंखों में देख, कुत्ता कहाँ मिला तुझे बता। सनी बेटा देखो ना, पता नहीं मेरे टॉमी को क्या हो गया है। जब से वापस आया है गैरों की तरह बर्ताव कर रहा है, बदला बदला सा लगता है। गली के गंदे कुत्तों के साथ रह के आया है। और लो बाबूजी, मिल गया इलाज, इसे ठंडे पानी के साथ निचोड़ के नहला दो। हा? क्या करके नहला दूं? रगड़ रगड़ के नहला दो। ओ आहा हा हा। ब्रेकफास्ट इज रेडी, आइए बैठिए। धोना नहीं है टॉमी को? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले टॉमी को नहलाऊंगा, बाद में नाश्ता करूंगा। पापा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। नहीं बेटा, मैं अभी आता हूँ। और टॉमी, हम नाई नहीं करेंगे। अब वो समीर का है, सनी जाके समीर को बुला लाओ ना प्लीज। मैं नहीं जा रहा उसके पास, वैसे भी वो लेट उठता। रानी खामखा मारवार देगा मुझे। एक काम करो ना, तुम चली जाओ ना। अच्छा मैं बुला के लाती हूँ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। समीर? कौन? समीर सो रहे हो क्या? उठो ना। ए सनी, आवाज बदल के परेशान मत कर मुझे, सोने दे। समीर। रानी एक सेकेंड, अभी आया। उठो, तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन हो? बिजली। अरे तुम कौन हो? रानी बाबा। हाँ रानी, दो सेकंड तो, मुझे अभी आ रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सो रही थी तुम्हारे साथ। मैं तो तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए लेने आई थी। रानी मैंने कुछ नहीं बना, दो सेकंड में आ रहा हूँ मैं। तुम जाओ यहाँ से। कहाँ? मैं आऊँ क्या? जा 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 जा। ये तो दो। ये क्या? वो। अरे वो क्या? वो ही। वो यार। आओ। आओ। हाँ आती हूँ आती हूँ। समीर समीर। सॉरी रानी। देखो रानी, जो तुम सोच रही बिल्कुल गलत सोच रही हो। और जो मैं देख रही हूँ वो? वो क्या? ये मेरा नहीं है, ये इसका है। तू पहनो। तो रानी मैंने कोई गलत नहीं किया है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। तू ना, मैं तुझे देख लूंगा। रानी रानी, तुम्हारी कसम रानी, मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ। एक अनजान लड़की के साथ तुम? रानी तुम्हारी सर की कसम, मैं उसे जानता तक नहीं। ना जानना पहचान, तुम किसी भी लड़की को बुला लोगे? सुनो मेरी बात सुनो प्लीज। पहले तो तुम सिर्फ लड़की को जानते थे, अब तुम बिस्तर में भी घुसा लिया। रानी दिस इज टू मच, मेरी बात तो सुनो। क्या? गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस? या ये लड़की, बॉस की बात सुनाई नहीं दे रही तुझे? हाँ
जो बॉस बोल रहा है वही कर समझे। हाँ, पर ना ईगल गैंग पकड़ कर तुझे बॉस के सामने पेश कर देगा। हाँ? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस हुक्म करो। ए, किसी कुछ मजाल जो बॉस कुछ कह दे। बॉस जो कुछ भी करना यही करो, सड़क पे इसके साथ पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। अरे डर मत, नहीं पकड़ूंगा। बस एक असर बची थी। नहीं, बदतमीज तुम। नहीं, शराबी तुम। नहीं, लड़की बॉस तुम। नहीं, और इतनी जल्दी ईगल गैंग के लीडर भी बन गए। नहीं हूँ लीडर। शेम ऑन यू समीर। अरे फगेट है बॉस, एक से एक चिकनी पड़ ली है गोवा में, जिस पे भी उंगली डालोगे ना अगले दिन आपकी बाहों में। हाँ, जगह जगह अपन का राज चलता है, आप हुकुम करो बॉस। रानी, रानी, ठंडे ठंडे पानी से नहा के हमारा टॉमी एकदम सुंदर हो जाएगा, एकदम से अच्छा हो जाएगा। वो गंदे कुत्ते हैं ना उधर मोहल्ले में, उनके साथ मत खेलना तुम। हाँ, देखो कितने गंदे हो गए तुम। शाबाश, बहुत बीबा बेटा है हमारा, है? बहुत बीबा बेटा है। शाबाश, शाबाश। अरे ये क्या काला रंग? मतलब ये मेरा टॉमी नहीं है? ए, 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 जंगली कुत्ता है क्या? ए, 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 रमा, कुत्ते ने मुझे काट दिया। रमा, रमा, ये हमारा टॉमी नहीं है। रमा, ये डुप्लीकेट टॉमी है, जंगली कुत्ता है। समीर ने हमारे हाथों में जंगली कुत्ता थमा दिया। ओह माय गॉड, मैं उसे नहला रहा था, उसका सारा काला रंग निकल आया। ये देखो, ये समीर के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। उल्लू के पट्टे ने मुझे कुत्ते से कटवा दिया। हे राम, ये आदमी है कसाई है, मार मार के थक गया, इन्हें अब कुत्तों से कटवा रहा है। बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता। 14 इंजेक्शन लगेंगे इन्हें पेट में। चलिए पहला लगवा लीजिए। जाओ जाओ जल्दी, चलिए चलिए, छोटे छोटे लगवाऊंगा इनके पेट में। अरे 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 अरे, रुक रुक रुक। ओहो, ओ खटारा। 40 रुपए मैडम। ये लो। ये तो 20 है। अरे, हर सीनियर सिटीजन को 50% डिस्काउंट मिलता है, चाहे रेलवे से जा या बस से जाओ। और ये तेरा रिक्शा तो खटारा है। ए दादी, ए वे दादी आई, दादी आ गई, दादी आ गई। हाँ, इस बच्चे की उम्र तो देखो, मुझे दादी बुला रहा है। समीर, समीर बेटा। नहीं दादी, समीर को मत बुला, समीर बहुत खराब है। क्यों? वो कल मेरा ना चॉकलेट लेके भाग गया था, आज है ना मैं तुम्हारा चश्मा लेके भागूंगा। मेरा चश्मा दे दे। नहीं, मैं भागूंगा, तुम्हें पीछे पीछे आओ। क्या हो रहा है? देखिए, इस 60 साल के बुढ़े को जरा समझाइए प्लीज। जी, ये मेरे पति हैं। क्या? नहीं, मैं इनका बेटा हूँ। हाँ, ये मेरी पाली पाली मम्मी है। मम्मी, दादी को बोलो ना चॉकलेट ला के दे, बहुत कंजूस है। मेरे प्यारे बेटे, लो मेरा चश्मा दे दे। बगल एक छलक पे। वो क्या? अपन क्रिकेट खेलेंगे। अरे मुझे वैसे ही नजर नहीं आ रहा है। मैं इसको बॉल की तरह फेंकूंगा, तुम उल के कैच पकड़ना। नहीं आ रहा। रानी का पूरा खानदान मुझसे नफरत करता है, यहां तक कि उसका कुत्ता टॉमी भी। दादी, ये आपके पोते की प्रेम कथा है, अब आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। मेरे बच्चे, तू चिंता क्यों करता है? अब मैं आ गई हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस तू लड़की मुझे दिखा दे, मैं खुद जाके बात करूंगी। अच्छा, आ जाओ दिखाता हूँ। दादी, वो रही रानी। कहाँ है बेटा? वो दादी सामने तो खड़ी है। हाँ, है ना खूबसूरत? बहुत खूबसूरत है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा, तू ऑफिस जा और अपना काम कर, मैं उसके घर जाकर खुद बात करूंगी।
ओके दादी, बाय बाय बच्चे। बेटी। जी माँ जी, मैं यहाँ हूँ। ओह, अरे तुमने मेरे समीर पर क्या जादू कर दिया है? जी, अरे वो तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है। उठते, बैठते, सोते, जागते बस तुम्हारी ही बातें करता है। ये आप क्या कह रही है? आप अच्छी तरह से जानती है कि कर्नल। बेटी, मैं जानती हूँ कर्नल समीर से बहुत नाराज है। बेटी, एक बार तो शादी के लिए राजी हो जा, कर्नल को तुम दोनों के बीच से हटना ही होगा। बेटी, तुम डरना नहीं। अगर तुम समीर से प्यार करती हो तो कर्नल तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। समीर और रमा? हाँ? मेरा बेटा दुनिया की वो खुशियां देगा जो कर्नल नहीं दे सका। तुम्हें कर्नल से डर लगता है तो मैं तुम दोनों को भगा के ले जाऊंगी। समीर अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या बात है। आ जाएगा। आ जाएंगे दादी माँ। लो आ दादी। समीर। दादी। बात होगी दादी? हाँ बेटा, बात हो गई। वेरी गुड। रानी मान गई? रानी मान गई। अच्छा, अब तू उसकी माँ से बात कर ले और वो कर्नल को मनाएगी। हाँ, उसके बाद 11 रुपए प्रसाद चढ़ा देंगे, कथा समाप्त। दादी। ये क्या दादी? ये पानी है, कॉफी ये रही। अरे बेटा, जब से ये चश्मा टूटा है ना, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता। दादी। फिर आपने रानी से कैसे बात की होगी? अरे बेटा, मुँह से बोला जाता है, आँखों से थोड़ी। और फिर तेरी पसंद तो अच्छी ही होगी। जी दादी। दादी, हाँ? ये कितनी उंगलियां हैं? 4। दादी। अरे बेटा, अभी मैं पूरी तरह अंधी नहीं हुई हूँ, थोड़ा बहुत नजर आता है। और तू चिंता क्यों करता है? जा, रानी की माँ से बात कर ले। समीर। चलिए माँ जी। हाँ? मैं आपका ये चश्मा बनवा देती हूँ। अच्छा, बस कुछ ही समय में हम आपकी ससुराल पहुँचने वाले हैं। लो पहुंच गए। जय कर्नल जुगराज सिंह। ये क्या है? अरे सेंट पीटर चर्च से होली बॉटल लेकर आया हूँ। जाओ, ना ही आपके होने वाले ससुर घर पर हैं और ना ही आपकी होने वाली धर्मपत्नी जी हैं। जाओ, सीधे सुंदर सी सासू माँ से बात करो। वो मेरी बात सुनेगी ना? हाँ हाँ, अंदर जाकर कुंडी जरूर लगा देना। कुंडी क्यों बंद करूँ? अरे नहीं, इससे ना ही वो बाहर जाएंगी, ना ही तुम्हें बाहर निकाल पाएंगी। बात समाप्त होते ही कुंडी खोल देना, साधारण सी बात है। हाँ, जाओ, हम हैं। ये लगाई कुंडी। समीर, तुम ये कुंडी क्यों बंद कर रहे हो? ताकि आप मुझे घर से बाहर ना निकाल सकें और आप खुद भी घर से बाहर ना जा सकें। इसी यमदूत को भी अभी आना था। देखो समीर, तुम जो कुछ कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। प्यार करना कोई गलत है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी प्यार नहीं किया? किया है ना? नहीं। तो फिर मेरे प्यार पे इतनी पाबंदियां क्यों? देखो समीर, तुम। समीर! समीर कहाँ है? आपकी मिसेज के साथ अंदर। क्या? आप अंदर नहीं जा सकते जब तक समीर का काम ना हो जाए। जब तक समीर का काम ना हो जाए? मुझे एक मौका दीजिए, मेरे पास प्यार में देने के लिए बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ समीर, प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। नहीं, जब तक आप हाँ नहीं कह देंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अरे 2 मिनट का ही तो काम है, कर्नल साहब कर लेने दो ना। हट! देखता हूँ क्या कर रहा है वो। कर्नल साहब! अरे लेकिन आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? जब दादी बात कर चुकी हैं, कर्नल तो सिर्फ आर्मी में कर्नल थे, आप इस घर की कर्नल हैं। अगर आपने हाँ कह दिया तो कर्नल भला क्या कर सकते हैं? समीर प्लीज, फॉर गॉड से मेरा पल्लू छोड़ दो। अरे जो हो रहा है होने दीजिए चुपचाप, कहीं जवानी के जोश में भाग गए तो इज्जत किसकी जाएगी, बदनामी किसकी होगी? आप दफा हो जाओ यहाँ से। फॉर गॉड सेक समीर। आपकी साड़ी अटक गई है। फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी साड़ी निकाल देता हूँ। रमा!
रमा। हेलो कर्नल साहब। लो दुशासन को देख लो। रानी, क्या सोच रही हो बेटी? देखो, जैसे तुम सब लोग सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। समीर ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। इसके बारे में मैंने बाद में बहुत सोचा। मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हारे बारे में कुछ कहने के लिए आया था। वो तुम्हें बहुत चाहता है। तुम किसे चाहती हो, समीर को या सनी को? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मा। सनी बहुत अच्छा लड़का है। He treats me really well. मुझे समीर भी पसंद है, पर वो पापा को पसंद नहीं। मैं क्या करूं? देखो बेटी, पापा और हमारी पसंद की फिक्र मत करो। तुम अपने बारे में सोचो। मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम्हें पहले ये सोचना है कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है, समीर या सनी। और अगर ये भी समझ में ना आए तो फिर भगवान पर छोड़ दो। बेटा, सुकून की तलाश में तू यहां आया था, अब कहां जाएगा? ऐसी जगह जाऊंगा जहां लोग ही ना हो। अंडमान निकोबार चला जाऊंगा। पूरे शहर में एक भी आदमी होगा तो उससे तुम्हारा पंगा होगा। चाहे कितने भी शहर बदल लो, लेकिन उससे कुंडली तो नहीं बदलती ना। बेटा, मैं जानती हूँ तू रानी से बहुत प्यार करता है। क्या तुम उसे भी छोड़कर जाओगे? खुशी से थोड़ी ना जा रहा हूँ। हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि जाना पड़ेगा। चलो दादी माँ, बोट का समय हो गया। अपना ख्याल रखना। समीर, क्या बात है, रानी नहीं तो पंडित ही सही। क्या हुआ? जा रहा हूं मैं। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता? तुझे क्या, दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं। तूने रानी और मेरी मुलाकात देखी है? हमारी शादी कौन देखेगा? तू जानता है बे, मुझे और रानी को मिलाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? ये गलतियां करता रहा और वो मेरे करीब आती रही। अरे हाँ, उस दिन तूने क्या सॉलिड आइडिया दिया यार, सारी दुनिया के सामने रानी को प्रपोज करने का। और इत्तेफाक की बात है, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, उसके बाप को भी इनवाइट किया है, रानी भी आने वाली है। मैं सोचता हूँ सारी दुनिया के सामने जाके बोल ही दूँ, रानी आई लव यू, रानी मुझसे शादी करोगी। आज तेरी तकदीर बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने रानी के ख्वाब देखना छोड़ दिए। खुश रहे। मारपीट, गुस्सा, प्यार, लड़की को प्रपोज करना, ये सब मर्दों का काम है। तू बैठ के सिर्फ गिटार ही बजा समीर। एवरीथिंग इज फेयर And love is born.
A very warm welcome to viewers all over the world. It promises to be a glittering extravaganza, a rip-roaring occasion, my dear friend. आज का मैच बहुत ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हमारे पास पहली बार गोवा के इस मशहूर स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान फ्रेंडली मैच खेलने वाले हैं। रानी को ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। रानी, रानी, अरे रानी कौन है? सर ये रानी रानी क्यों चिल्ला रहा है? Who is this रानी? ओ दिल्ला मामला यार, शाबाश शिराज चक दे बट्टे नप दे के ली। रेश का मामला ठीक है यार। रानी, रानी, सुनो रानी, कहाँ छुप गई भाभी? बॉस कितने परेशान हैं। मिलेगी, डोंट वरी, मिलेगी। भाभी, रानी कहाँ हो तुम? समीर, समीर हम यहाँ, समीर, समीर, समीर। हेलो हेलो, हमारे बाइक के साथ पंगा, अमित से बाइक। रानी, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहने आया था, शादी मत करना सनी के साथ। वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। रुको रुको रुको, ये कुछ कहना चाह रहा है, लगता है इसका प्यार का मामला है। ये लो। Love is a condition of the mind at a time when the mind is out of condition, my dear friend. बाजी, but we have a match to start after the lovers depart. रानी, जैसा तुम मेरे बारे में सोचती हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं। हाँ, मुझसे गलती जरूर हुई है कि मैंने अपने गुस्से को काबू में कर लिया, नहीं तो सनी को मारते मारते गोवा के बाहर पहुंचा किया था। लेकिन आज सनी ने एक बहुत अच्छा काम किया, उसने मुझे जाने से रोक दिया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं रानी। रानी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सोनी, सोनी। और आज से नहीं, उस दिन से जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, और उस दिन से जिस दिन से कर्नल साहब मुझसे नफरत करने लगे। कर्नल साहब, बहुत गलतियां हुई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए।
रानी, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो इट्स कूल, मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मेरा दिल मुझसे यह कहता है कि तुम करती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मैं यहां पे सबके सामने बहुत परेशान है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए कि तुम मुझसे शादी करो, हमारा परिवार हो, बच्चे हो, जिनके बाल, नाक, आंख, होंठ, गाल सब तुम पर जाए, मेरा सिर्फ सरनेम हो, वो भी इसलिए कि मेरे बाबूजी का सरनेम था मल्होत्रा। बहरहाल इन शॉर्ट सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। वो बोलना यार मुझसे शादी करोगी, बोल दे। वो नहीं करेगा तो मैं कर लूंगा। रानी मुझसे शादी करोगी? अरे जरा जोर से बोल। मुझसे शादी करोगी? सुनाई नहीं दे रहा है। Louder my friend, let the whole world hear the sound of love. Not only strike while the iron is hot, but make it hot by striking. Rani, mujhse shaadi karogi? 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 हाँ कर दो भाभी। प्लीज हाँ कर दो। रानी बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यही सही लड़का है। कम से कम तुम्हारे साथ शादी होने के बाद ये मुझे मारेगा तो नहीं? ओ कुड़िये, कह दे हाँ। ओ मुंडे च बड़ा जोश है, तनु प्यार करदा हैगा, पब्लिक दे विच भी कहंदा हैगा, कह दे हाँ। भाभी प्लीज हाँ कर दो। जा बेटा जा, जा ना जा। स्टुपिड, आंखें और स्माइल तुम पर जाएंगे और मल्होत्रा सरनेम हमें बहुत पसंद है। भाई साहब जरा माइक देना। मेरी मां कहा करती थी, गुस्सा प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो गुस्से को काबू नहीं कर सकता वो जिंदगी में कुछ काबू नहीं कर सकता। देख समीर, मेरी माँ कहती है गुस्सा प्यार का दुश्मन है, जिसके काबू में गुस्सा नहीं होता उससे काबू में कुछ नहीं होता। अबे तेरी माँ नहीं, मेरे दोस्त अरुण की माँ कहा करती थी ये। अपने दोस्त की बात याद है, लेकिन अपने दोस्त को भूल गया तू? तू मेरा दोस्त अरुण नहीं हो सकता, तू कमीना है। मेरा दोस्त अरुण बहुत अच्छा था। तू जानता है 19 साल बाद जब मैं अमेरिका से लौटा तो सबसे पहले किसके घर गया? तेरे घर। ए समीर! समीर तो है नहीं, आप कौन है? दादी मैं। अरे समीर का बचपन का दोस्त अरुण। अरुण! अरे बाप रे! ये दादी मेरा दोस्त कहाँ है? वो तो गोवा गया है। अभी वैसा गुस्से वाला या बड़ा होके शांत हुआ है कुछ? बेटा उम्र के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ गया है। फिर दादी ने मुझे तेरी सारी प्रॉब्लम बताई, कैसे तेरा दिल टूटा, कैसे तू डिप्रेस हुआ, कैसे गोवा गया और वहां रानी से मिला और उसे चाहने लगा और उसके खातिर अपने गुस्से को हमेशा के लिए दबा दिया। तो फिर ठीक है, मैं समीर को फोन करके आती। नहीं दादी, तुम उसे कुछ नहीं बोलोगी, क्योंकि उसका इलाज मैं दोस्त बन के नहीं दुश्मन बन के करूंगा। अरुण, इसीलिए मैं गोवा आया, तेरे साथ, तेरे ही घर में और तेरे ही रूम में रहा। अरे अब मैं समझा तू यूं क्यों करता था मेरे भाई। आजा।
बदतमीज चद्दर की कमीज, लोहे का पजामा बंदर तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, कुत्ता तेरा यार, आम का अचार आ जा मेरे यार। बदतमीज चद्दर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा, अरे बिल्ली तेरी मौसी, कुत्ता तेरा यार, आम का अचार आ जा मेरे यार। अब क्या हुआ? अरे फिर से क्या गलत किया है रवि? तेरी किस्मत खराब है बेटा, फूटी है फूटी, लेकिन अब कुछ नहीं उखाड़ सकता।